हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो अब हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड का मैरीगोल्ड बुक क्लास फिफ्थ के लिए, और ये है इंग्लिश की बुक। और हमने अब तक पढ़ा है हु विल बी द निंथो, तो मतलब राजा कौन बनेगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज जो लेसन के लास्ट में दिया हुआ है। हमारे सबसे पहले है न्यू वर्ड्स, तो न्यू वर्ड सीखते हैं कुछ, यानी वर्ड मीनिंग, जैसे पीस, क्वाइट। पीस यानी क्वाइट यानी शांति, वर्दी डिजर्विंग ऑफ, वर्दी मतलब जो जिसके लायक होता है, योग्य होना। कॉन्टेस्ट यानी कॉम्पिटिशन। स्पीयर हंटर्स वेपन, स्पीयर होता है जैसे एक भाला जैसा होता है ये, जिससे जो शिकारी होता है वो ज़्यादातर अपना शिकार करता है, उसको स्पीयर बोलते हैं। ट्रायम्फेंट्री विक्टोरियसली, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से किसी के ऊपर जीत करना। तो अब है हमारा रीडिंग इज़ फन, यानी ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हमारे लेसन से ही रिलेटेड हैं। पहला है नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंथो एंड लीमा रूल्ड, मतलब उस मणिपुर में इस जगह का नाम बताइए जहाँ निंथो एंड लीमा रूल करते थे यानी शासन करते थे। तो इसका आंसर है निंथो एंड लीमा रूल्ड कंगलीपेक इन मणिपुर, कंगलीपेक इन मणिपुर, ये है इसका आंसर, कंगलीपेक ये वाला। सेकेंड है हमारा व्हाई डिड द पीपल ऑफ कंगलीपेक लव देयर किंग एंड क्वीन, मतलब कंगलीपेक के जो लोग थे वो अपने राजा और रानी को क्यों, व्हाई मतलब क्यों इतना प्यार करते थे। द पीपल ऑफ कंगलीपेक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज, प्यार करते थे क्योंकि, दे ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट देयर नियम, मतलब राजा और रानी हमेशा अपने नियम यानी अपने लोगों की, अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। एंड दे ऑलवेज वॉन्टेड एवरी वन टू बी हैप्पी, और राजा और रानी वो हमेशा सोचते थे कि उनके राज्य में सब लोग खुश रहें। वाई डिन द निंथो वॉन्ट टू चूज अ फ्यूचर किंग, तो जो निंथो थे वो मतलब एक फ्यूचर किंग क्यों चुनना चाहते थे। द निंथो वॉन्टेड टू चूज अ किंग एज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे इसलिए वो एक मतलब फ्यूचर किंग चुनना चाहते थे। हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग, मतलब जो राजा था वो अपना फ्यूचर किंग कैसे चुनना चाहते थे, कैसे सेलेक्ट करना चाहता था। द किंग वॉन्टेड टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग बाय द कॉन्टेस्ट, बाय द कॉन्टेस्ट मतलब राजा एक कॉन्टेस्ट करना चाहता था जिससे फ्यूचर किंग सेलेक्ट हो सके, ना कि इस बेस पर कि जो सबसे बड़ा बेटा वही राजा बन जाए, जिससे प्रजा को यानी उनके लोगों को एक योग्य राजा, योग्य राजा और राजा में वो सब गुण हो जो एक जैसे वो अपने प्रजा को संभाल सके अच्छे से, उसका दुख दर्द समझ सके। वॉट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज संतोम्बी, वॉट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज संतोम्बी, सनतोम्बी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सनतोम्बी वॉज अ लवली चाइल्ड एंड सॉफ्ट, वॉज अ लवली एंड सॉफ्ट चाइल्ड एंड शी हैड अ ब्यूटिफुल हार्ट, मतलब उसका जो हार्ट था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत दयालु थी वो सबके लिए। तो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन है कि वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो इसके लिए यस द आंसर इज हियर, मणिपुर इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। मणिपुर कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है मैप पर। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है से अलाउ द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग, इन मणिपुरी निंथो, हम यहाँ वो आप लिख सकते हैं इधर राजा और किंग, लाइमा क्वीन यानी रानी, मियम यानी लोग यानी प्रजा, एंड खोंगैंग था एक बड़ा सा पेड़। अभी हमारा राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश, तुंगी निंथो यानी फ्यूचर किंग, फ्यूचर किंग यानी भविष्य में होने वाला, भविष्य का राजा, थोरो थोरो यानी ब्रेवो ब्रेवो, मतलब कि बहुत बढ़िया आप ऐसे को ऐसे, ये है इसका मीनिंग। फेजाई फेजाई यानी अगेन बहुत बढ़िया, आप लिख सकते हैं वंडरफुल,
wonderful. WONDERFUL, wonderful. Next है शागोल थोबा नोपा. शागोल थोबा नोपा, इसका मतलब है फाइन हॉर्समैन, मतलब फाइन हॉर्समैन मतलब जो बहुत अच्छा घोड़ा चलाता है, यानी बहुत अच्छा घुड़सवार. चलिए अब नेक्स्ट है फन विद साउंड वर्ड्स. सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइजेज फॉर विच दे स्टैंड. यूज अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड्स. द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल. तो यहाँ पर है जैसे एग्जाम्पल है कि जूम वेंट द कार, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक साउंड के लिए यूज होते हैं, और जैसे ही हम वो वर्ड सुनते हैं तो हमें वो याद रहता है कि ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है एक तरह से. जैसे हम बोले जूम, तो जैसे ही आप जूम सुनेंगे आपके मतलब हमें इमिडिएटली एक ख्याल आएगा कि ये कार के लिए जूम वेंट द कार, मतलब कार जैसे जूम करके चली गई, यानी बहुत तेज़ी से चली गई. बैंग, बैंग वेंट द डोर, मतलब इसने दरवाजे को जोर से बैंग किया, यानी जोर से मारा. पिप पॉप फ्लिप टिप फ्लॉप, मतलब टिप टिप ऐसे जो फ्लॉप फ्लॉप पिप पॉप आवाज़ आती है. अभी ऐसे ही बहुत इजी बच्चों, जैसे क्लिक आप कैमरा लिख सकते हैं. चिर्प यानी बढ़िया, जो बर्ड्स जो चिर्प की जो आवाज़ करते हैं उनको चिर्प बोलते हैं. विस्पर इसे बहुत धीरे से किसी के कान में बोलना या बहुत धीरे से बोलना कि किसी को सुनाई ही ना दे, उसको विस्पर बोलते हैं. ब्रावो अगेन, जैसे हमने लेसन में पढ़ा कि किसी को बोलना बहुत बढ़िया. ओहो जैसे अरे वाह, अगेन बहुत बढ़िया. आहा, तो ये सभी वर्ड्स ये इसको अलास, मतलब जैसे हम कोई सैड कोई न्यूज़ सुने तो आप अलास बोलेंगे. वंडरफुल, आप बहुत खुश होकर हम किसी को बोल सकते हैं किसी बहुत बढ़िया किया. वंडरफुल हाय, जब हम किसी को हाय हेलो बोलते हैं. चलिए अब नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स विद ईडी एट द एंड. तो यहाँ है हमारा एन एक्शन वर्ड्स इन प्रेजेंट फॉर्म. तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी कुछ वर्ब्स होती हैं जो जब हम उसको प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं तो वो अलग होती हैं, और जब हम उसको पास्ट टेंस में अगर उसको यूज़ करना है तो हमें उसी वर्ड में वर्ब में एक ईडी लगा देते हैं. कभी कभी डी लगाते हैं ईडी लगाते हैं तो वो पास्ट में चेंज हो जाती है. जैसे एग्जांपल है एडमिट, इसमें हमने ईडी लगाया तो ये एडमिटेड बन गई. ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखें लिव और यहाँ पर आ जाएगा लिव्ड, तो ये इसका पास्ट फॉर्म है. ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखें स्टॉप तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड. फिर हो जाएगा लव, लव्ड. ऐसे ही बहुत सारी आपके पास ये वर्ब ऐसी होती हैं जिनको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. तो चलिए ये है हमारी फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी. तो ये हमारे पास एक स्टोरी है जिसको हमें कुछ यहाँ वर्ब्स की फॉर्म्स दी हुई हैं, इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यहाँ फिलअप करना है. तो चलिए पढ़ते हैं. इन अ फॉरेस्ट देयर डैश लिव लिव्स लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल. तो यहाँ हम कहानी हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उसको पूरा करेंगे विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन अ फॉरेस्ट मतलब बहुत ही पुरानी बात है, तो इसका मतलब ये सभी एक पास्ट टेंस में इसमें वर्ब हमें यूज करनी है. इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल. वन डे ही मीट्स एन ओल्ड मैन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट. सो वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट. इमीडिएटली क्रूअल लेप्ट, लेप्ट होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द लीप का. लेप्ट ऑन टू द ओल्ड मैन शोल्डर्स, मतलब वो एक उस दम से उसके कंधे पर कूद गया. एंड ऑर्डर्ड हिम, उसने उसको ऑर्डर दिया, क्योंकि सभी पास्ट में चल रही है तो हम इसके पास्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है. लेट्स गो मूव फास्ट. द फ्राइटेंड ओल्ड मैन ओबेड द नेस्टी गॉब्लिन एंड वॉक्ड ऑन, मतलब चलता रहा. एज दे मूव्ड ही डैश As they moved, he noticed that the goblin's feet were very tender. Tender मतलब soft. The old man asked Cruel, "Sir, how are your feet so soft and tender?" Cruel replied, "I have taken a vow that I will not touch the ground with my feet till I wash them." They soon came to a pool. The goblin instructed the old man to wait for him. Instructed the old man to wait for him while he entered the pool.
The old man thought to himself, "Now that the goblin has wet his feet, he does not need me. Let me run for, or he will surely eat me up." So he ran off. अभी देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी. तो यहाँ पर भी हमारे पास अगेन कुछ एक्शन वर्ड्स हैं. यहाँ पर हमें ईडी एक्शन वर्ड्स यूज करने हैं और यहाँ पर इररेगुलर एक्शन वर्ड्स. दोनों ही पास्ट फॉर्म है, बट फॉर क्या है कि यहाँ पर जो ये प्रेजेंट टेंस है इसमें हम ईडी लगाएंगे तो ये एक ईडी वाले वर्ड्स हैं जो पास्ट टेंस बना देंगे, पास्ट फॉर्म बन जाएगी. बट यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें हम ईडी नहीं लगते हैं, बट ये चेंज हो जाता है और फिर ये हमारा जो पास्ट इसकी फॉर्म है वो अलग है. है तो वही, बट इसमें कभी कभी एक स्पेलिंग या उसका प्रोनाउंसिएशन वो दोनों थोड़ा अलग होता है, बट ईडी नहीं लगता है. तो इनको हम कहते हैं इररेगुलर एक्शन वर्ड्स. जैसे लिव है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लव, तो आ जाएगा लव्ड. फिर है हमारा रिप्लाई, REPLY, REPLIED, replied. देन हमारा शॉक, SHOCK, शॉक, SHOCKED, शॉक्ड. देन हमारा रीच, REACH, रीच, REACHED, रीच्ड. अब यहाँ पर है हमारा मीट प्रेजेंट और उसका पास्ट है मेट. सेकेंड ऐसे ही हमारा हो सकता है रन और इसका होगा रैन. ऐसे ही हमारा है ग्रो, GROW, ग्रो, और इसका है ग्रू. फिर है हमारा सिट, SIT, सिट, और ये है सैट. एंड है हमारा फील, FEE, फील, और इसका पास्ट टेंस हमारा फेल्ट. ये हमारे कुछ इररेगुलर एक्शन वर्ड्स हैं.